ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ Alina Sen leaving Meher was your biggest आज हमारे साथ बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत एक फिल्म आई है, शॉर्ट है लेकिन एक कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करना, चार कहानियां 20 मिनट में कहना कमाल है और इस फिल्म ने ये कमाल किया है और उसका क्रेडिट राइटर को भी जाता है और राइटर के साथ साथ उन किरदारों को जाता है जो किरदार इस फिल्म में हैं। और आज हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं। संजय जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, आप सब जानते हैं कि बहुत ही फेमिलियर फेसेस है ऑफ इंडियन सिनेमा एंड आप कोई किरदार जो भी आप अगर इनके किरदार देखें, मैं ऑस्कर हो चाहे वो इसमें ब्रूस ली हो चाहे वो किसी भी किरदार में आपने ऐसी जान फूंकी है कि वो किरदार अमर हो गए हैं। ब्रूस ली का किरदार जिस तरह का एक्चुअली ब्रूस ली है लेकिन जिस तरह इसको निभाया गया है बहुत खूबसूरती के साथ है। संजय जी मैं और आलोक आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म पर और इतनी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को। धन्यवाद। थैंक यू रजिया। थैंक यू रजिया। सो संजय जी कहते हैं कि शेर में एक शेर में शायर पूरी दुनिया की कहानी कह देता है जी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, सारी कहानी आ गई उसमें। एक छोटा सा किरदार जो नीचे से ऊपर एक लाश लाता है, कुछ जुमले बोलते हैं और उसके बाद वो बॉम्ब लगा के चले जाते हैं। बस कहानी में आपने एक पूरा किरदार जिया है और उसको जिंदा कर दिया है। ये क्या टेक होगा? सबसे पहले एक बढ़िया बात क्या हुई है, जिस जनरेशन में हम हैं शॉर्ट फिल्मों की, कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, दो घंटे वाले में तो बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म के जरिए मैं एक अपनी एक कहानी कह सकता हूं। ये एक बहुत अच्छी चीज आई है सिनेमा में और आप जैसे लोग जो बॉस्टन में इस तरह के शॉर्ट फिल्मों का फेस्टिवल अरेंज करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मैं कई सारी शॉर्ट फिल्में कर रहा हूँ जो मैं जीते जी मुझे लॉन्ग पूरी फीचर फिल्म में वो ऐसे कैरेक्टर नहीं मिले करने को, जिस तरह के जैसे इसमें ब्रूस ली, बड़ा ब्रूस ली, बड़ा ब्रूस ली कभी नहीं मिलेगा मुझे फिल्मों में ऐसा कैरेक्टर, लेकिन इस छोटी सी फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर। और आपने कहा कि आप जिस तरह से किरदार जीते हैं, कैरेक्टर को जीते हैं, इस कैरेक्टर को जीने के लिए ही हमें पैसे मिलते हैं और ब्लेस्ड हूं एक्टर हूं, एक ही जिंदगी में कई बार अलग 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 किरदारों को जीना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस एक्टर के अलावा किसी को नहीं हो सकता। राइटर लिख देता है, सॉरी आलोक बट तुम लिखते हो, जीना हमें पड़ता है। बिल्कुल जी। और ये फिल्म मेरे लिए बहुत इमोशनल थी, इमोशनल पहले तो इसलिए थी कि आलोक बिल्कुल सोच के बिल्कुल डिफरेंट आया था और जैसे आप नर्वस हो गई थी इसको देख के, तो
मैं भी सोचा यार ये कैसे बनाएगा, सोच क्या रहा है ये, कैसे मतलब क्या होगा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खाली खाली चला जाएगा। मुझे इसने फिल्म दिखाई, पहली बार तो मैंने ऐसे देखा था, ये क्या है बे, वो मेरी आदत है। दूसरी बार जब मैंने देखी वो फिल्म तो मामला समझ में आया, और इमोशनल इसलिए था, पिक्चर का नाम है आनंद, नेवा आनंद, तू बोल आगे, मरा नहीं आनंद, मरा नहीं का, और आनंद मरते नहीं, इंग्लिश आनंद मरते नहीं, बुलेट प्रूफ आनंद, और जो मैं बुलेट प्रूफ आनंद भी, आप इसको, मैं भी अभी आनंद कभी मरता नहीं, बाबू मशाय, पहला ड्राफ्ट का नाम आनंद मरता नहीं था एक्चुअली, जब मैं सर के पास गया था फिल्म वाज कॉल्ड आनंद मरता नहीं, आनंद मरते नहीं, आनंद मरते नहीं, एंड आई लॉस्ट माय ब्रदर ड्यूरिंग द शूटिंग, या ऑन द सेकंड डे ऑफ, अपना छोटा भाई, मतलब पूरी यूनिट ने मुझे, क्योंकि मेरे जमीन हिल गया, हम कोई शायद मीरा रोड में शूटिंग कर रहे थे जी, दो ढाई बजे रात था, रात में दो ढाई बजे, बड़े मस्ती में हम लोग काम कर रहे थे, और एकाएक खबर मिलती है सुमित इज नो मोर, और जमीन खिसकी, जावेद भाई, आयुष्मान सब, अंशुमान और आलोक मेरे पीछे थे, और मतलब मैं समझ सकता हूँ छोटी फिल्म में बनाना थोड़ा मतलब मनी वाइज, और हमें शूटिंग रोकनी पड़ी, शायद रोक दी थी हमने, जी रोक दी थी जी, तो इसलिए बड़ी इमोशनल फिल्म थी ये मेरे लिए, बहुत बहुत इमोशनल फिल्म, मैं जब दोबारा मैं इसके सेट से निकला था तब रोते हुए निकला था, और दोबारा जब हमने शूटिंग शुरू की वही कपड़े पहने, मैंने कहा यार वही मतलब आप समझ सकती हैं रजिया कि किस तरह से इमोशनल रहा होगा, बट थैंक्स कि बॉस्टन IIF ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स हम लोगों के इस काम को, मुझे तो खैर मैं बड़ी फिल्में अलग अलग फिल्में करता हूँ, लेकिन आलोक के जो सोच को एक स्टेज पर अप्रिशिएट करने के लिए वेरी बहुत थैंकफुल हूँ मैं, थैंक्स, थैंक यू संजय सर, मतलब यू सेड एवरीथिंग दैट आई कुड हैव सेड, थैंक यू सर, आई लव, थैंक यू सर, थैंक यू। सो आलोक, एक बहुत बड़ी, चार बड़ी कहानियां जिन पे बहुत बड़ी फिल्म बन सकती थी जैसे सर ने बोला अभी, मगर वो आपने 20 मिनट में निपटा दी, ये कैसे किया और कहां से आया ये आइडिया? नहीं, निपटा दी तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिल्म को, हाँ फिल्म को बनाना भी, हम यूपी बिहार वाले हैं तो हम ऐसी बात करते हैं जरा, जी नहीं मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे एक्टर्स का होना, क्योंकि जो बड़ा ब्रूस ली था वो संजय सर के लिए ही लिखा गया कैरेक्टर था, अगर ये मना कर देते तो वो फिल्म कागज में रह जाती, बिल्कुल है। आनंद का जो रोल था वो जावेद भाई के लिए ही लिखा हुआ रोल था, वो उन्होंने मना करना था तो भी फिल्म कागज में रह जाती, अंशुमन का भी रोल ऐसे ही था, इनफैक्ट अंशुमन वॉज द फर्स्ट वन जिनको मैंने स्क्रिप्ट भेजी थी, और थोड़ी विचित्र सी स्क्रिप्ट है, करीब 10-11 पन्नों की स्क्रिप्ट है, तो जिसने पकड़ना था पकड़ लिया वाला हिसाब था, तो अंशुमन वॉज द फर्स्ट वन टू कैच इट कि इसको करने में मजा आएगा, और उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये जो बड़ा ब्रूस ली का कैरेक्टर है वो संजय सर के लिए लिखा हुआ है, वो करेंगे तो हम ये फिल्म करेंगे, तो अंशुमन ने संजय सर के साथ अंग्रेजी में कहते हैं की हुई थी पहले, तो हम संजय सर के घर पहुंचे शाम को और पूरा हमने इनको निर्देशन दिया कहानी का, तो अगेन क्योंकि फिल्म में बहुत सारा बीच में ग्राफिक्स आता है, ये जो आप बोल रहे हैं चार कहानियां एक साथ आपने रोल करके डाल दिए उस फिल्म के अंदर, छोटी छोटी स्टोरीज भर दी है फिल्म के अंदर, तो वो कंफ्यूजन सभी को था कि तुम दिखाओगे कैसे, ये जो तुम बोल रहे हो ये बड़ी कहानी है कि बड़े ब्रूस ली की एक फ्लैशबैक है, छोटा ब्रूस ली का एक फ्लैशबैक है, एक लव स्टोरी है उसके अंदर, एक आनंद के किरदार की कहानी है, उसके अलावा एक कहानी जो बड़ी कहानी जो पूरी चल रही है, अब इतनी सारी कहानी आप करोगे कैसे 10-15 मिनट में, समवेयर आई काइंड ऑफ न्यू कि उसको कैसे करना है, मगर होता क्या है ना बहुत सारी चीजें प्रीवियस में भी हो जाती है, मेरा एनिमेशन का बैकग्राउंड है तो मैं जनरली मेरी कहानियों को स्टोरी बोर्ड कर लेता हूँ, तो मुझे रफ आइडिया होता है मेरी कहानी कैसी दिखने वाली है, वो बहुत काम आया, वो एक्सपीरियंस बहुत काम आया,
और जो सबसे बड़ी चीज जो काम आई मेरे लिए वो मेरे एक्टर्स का ट्रस्ट था कि ब्लाइंडली माई एक्टर्स वॉक इन टू द सीन जस्ट ट्रस्टिंग माई इंस्टिंक्ट कि ये अगर बोल रहा है तो कर लेगा शायद एंड दे फॉलोड एग्जैक्टली यू नो वॉट आई वॉन्टेड. एंड संजय सर वेन ही एंटर्ड द सीन एंड स्टार्टेड इम्प्रोवाइजिंग ऑन द सेट वो मैजिक था. वो अगर आपने मैजिक देखा है तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है व्हेन यू हैव संजय मिश्रा ऑन द सेट. बिकॉज कहानी है, डायलॉग्स हैं, किरदार है, मगर फिर यू नो जो जो इन्होंने बोला कि राइटर लिख देता है, जीना हमें पड़ता है, वो आके जो उन्होंने जीना शुरू किया. अगर मैं आपको बिहाइंड द सीन्स फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा मेरी फिल्म के, ही वॉज टोटली इन द कैरेक्टर. हिज बॉडी लैंग्वेज इज द सेम विद बड़ा ब्रूसली. और वो जिस हिसाब से अंशुमन के साथ जिस हिसाब से उनकी केमिस्ट्री है वो पूरी की पूरी उन्होंने निचोड़ दी छोटा ब्रूसली बड़ा ब्रूसली के कॉन्वर्सेशंस में. जावेद भाई के साथ भी मतलब इतनी मजेदार केमिस्ट्री है, इतना मजेदार टाइमिंग है, मैंने कागज में कभी नहीं सोचा था. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं प्रीवियस बहुत करता हूँ लाइफ में, बट ये मेरा प्रीवियस उस जगह में जाके यूं करके गिर गया. एंड देन आई सेड कि अब ये मैजिक हो रहा है, इस मैजिक को होते रहने दो, रोल करते रहो. हाँ, रोल करते रहो, क्योंकि जो कर रहे हैं संजय सर वो इतना मजेदार है कि कट नहीं बोलना है. बहुत बार ऐसा होता था कि कट बोलने के लिए रुक जाओ, हो सकता है एक छोटा सा और मैजिकल मोमेंट मिल जाए. बहुत सारे ऐसे मैजिकल मोमेंट्स थे. एंड लाइक ही सेड ही लॉस्ट हिज ब्रदर ऑन द सेकंड डे ऑफ शूट एंड यू नो द वर्ल्ड केम यू नो क्रैशिंग डाउन फॉर हिम. तो वो इतना सैड मोमेंट था, हम सारे खड़े हो गए. एंड वेरी ऑनेस्टली सर, ऐसा भी नहीं बोलूंगा मैं कि फिल्म छोटी फिल्म बना रहे हैं तो उसमें फाइट ज्यादा रहती है. फैमिली कम्स फर्स्ट, मतलब उनका घर जाना और उन मेरी फिल्म सेकेंडरी है, वो नहीं बनती तो भी चल जाता है मुझे. लेकिन सर हैड लॉस्ट हिज ब्रदर, वो इतना बड़ा लॉस है. वो ऐसी 100 फिल्में कुर्बान है ऐसे लॉस पे, ऐसी 100 फिल्में कुर्बान है. तो ये था कि तो मुझे बढ़िया लग रहा ये फिल्म. मैं ट्रिब्यूट भी मेरे भाई को ही है क्योंकि ही इज अ बिग फैन ऑफ राजेश खन्ना. बहुत बड़ा फैन था राजेश खन्ना. क्या बात है. सो सर जी, आपके और अंशुमन के बीच में जो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए डायलॉग्स हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बहुत जमाने के बाद इतनी परफेक्ट टाइमिंग. और आपका जो रिएक्शन है, क्योंकि अंशुमन को तो कुछ पता नहीं है कि कौन है इसमें बोरे में बंद, तो वो जो टाइमिंग है आपकी, मतलब मैं आपसे क्या सवाल करूं इस बात पर, आप बताइए कि टाइमिंग फिल्मों में कितनी अहम रहती है और क्या होता है इसका. ये एक अच्छा सवाल है कि दो एक्टर्स के बीच में टाइमिंग. हमारे सिनेमास में आप अपने लाइंस बोल के आते हो, मतलब याद करके आते हो, क्योंकि हमारी फिल्में हमेशा रही है कि डायलॉग याद है ना, डायलॉग याद है ना, डायलॉग याद है ना. मतलब फर्स्ट एडी से लेके डायरेक्टर से लेके हर कोई आपको डायलॉग याद है ना, तुमको डायलॉग याद है ना. तो हम पहुंचे थे सेट पे और मैं ना, देखिए रजिया, मैं अगर आपके साथ काम करूंगा कभी या आपसे इंटरव्यू करूंगा तो मैं आपको भी पहले नॉर्मल ले आऊंगा कि बॉस सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, है ना, तू है, मैं हूं, वो छोड़ देते हैं, काम के बात कर लेंगे, तू है, मैं हूं. हम अंशुमान तो सब लोग कहीं खाना खाने गए, मतलब कुछ पैक करवा के लाए, और उसके साथ हमने अंग्रेजी में की, अंग्रेजी में कहते हैं किया हुआ था, वो तो एक रिलेशन था ही. फिर वो भी संजय सर, आप जो पहनते हो ना संजय भाई, इसका और अच्छा कपड़े मेरे पास है, कहो तो ऑर्डर कर दूं. शूटिंग अभी नहीं हो रही, ये कपड़े ऑर्डर खाना वाना चल रहा है. तो जो हम लोगों में एक सीनियर और जूनियर का था वो गेम बिल्कुल खत्म हो गया. अब चल ऊपर चल, क्योंकि कोई 7th फ्लोर या 8th फ्लोर पे कहीं ऊपर था, चल ऊपर. अब सीढ़ियों पे जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे जो भी, और क्या चल रहा है संजय भाई बड़ा मजा आया, ये पिक्चर में मजा आएगा. मैंने अंशुमान को कहा, सुनो बॉस, यही टोन रखना है,
जब हम पहुंचेंगे 7th फ्लोर पे तो फिर डायलॉग नहीं बोलेंगे, हम पहले ही 15 बार सीढ़ियों पे चढ़ते हुए डाल, तो वो एक केमिस्ट्री अच्छी आई है जो मुझे भी देखने में आई, बहुत अच्छी जी। और बहुत टेढ़ी बात कर रहे हैं वो, बलते ही बात कर रहे हैं कि एक हाथ में खैनी भी होता था, डेड बॉडी भी होती थी, तुम आज के लोग दो बॉडी है और खैनी खाते हुए 7 माले चल रहे हैं, हावड़ा ब्रिज चल जाते थे। और जावेद सर के साथ क्या है कि मैं जावेद सर मुझे हिंदी सिनेमा के बहुत खतरनाक और बेस्ट एक्टर लगते हैं, तब बहुत ही वो डांसर भी है, वो हर कुछ है, वो हर कुछ है। तो एक जो रिस्पेक्ट थी ना आनंद के लिए, क्योंकि मैं कभी आया था बंबई फिल्म के अंदर, एक बैक स्टोरी में मैं कभी बंबई आया था जी, एक्टर बनने, तो भाई मंकी हिल के कसम का सिगरेट का एक ऐड मिला, सिगरेट 12 रुपए पैकेट वाला, और एक दो इधर उधर डाकू के भाई का रोल किया और इस तरह का रोल किया, लगा कि बॉस ऐसे ही रहोगे तो कहीं तो कुछ इस टाइप का बन जाओ, मारने पीटने वाला, डांस वो करने वाला, तो सारे एक्टर्स के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया था, और डायरेक्टर का उसमें बड़ा अच्छा हाथ है, वो डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ डिस्टर्ब नहीं करता था, हमारे रिलेशन बन गए। तो वो रिस्पेक्ट जावेद सर के लिए, और वो एक एक्सपीरियंस और थोड़ा कम एक्सपीरियंस अंशुमान के लिए, कमाल अच्छा निकला है वो, तभी आप लोगों को देखने में मजा आता है, क्योंकि रिलेशन है, केमिस्ट्री है, अदरवाइज मैं अपनी लाइन, वो अपनी लाइन, मैं अपनी लाइन और डायरेक्टर अपनी लाइन। हाँ नहीं नहीं उसमें लग रहा है कि इस वो बहुत गड़बड़ जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत की है और मेहनत के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है सबका इस कैरेक्टर में। जब आप ये लिख रहे थे आलोक कहानी, तो आपको अंदाजा था कि ये इतनी ज्यादा हाई पिच पर मैं बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल होगी बाय ऑडियंस और नॉट, मुझे पता नहीं। मैं जनरली ना प्रॉब्लम ये है कि मैं वही लिख रहा होता हूँ जिसको लिखते हुए पढ़ने में मुझे मजा आ रहा होता है, अगर मुझे मजा नहीं आ रहा होगा तो मैं नहीं लिख पाता हूँ। और यही कारण है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कमीशन किए जाते हैं कि ये फिल्म लिखोगे क्या, ये चीज करोगे क्या, मैं हाँ बोल दूं ना बोल दूं, बाद में मुझे समझ में आता है ये मेरे पिच पे बैठ नहीं रहा है, तो मुझे बड़ा अफसोस सा होता है कि यार ये अब इसको करना पड़ेगा। अब चूंकि ये मेरी अपनी ही स्क्रिप्ट है जिसको मैं खुद ही बनाने वाला हूँ, तो मैंने हर वो चीज की उस स्क्रिप्ट के साथ जो मैं करना चाहता था, तो मैं मजे ही ले रहा था उसको करते हुए। तो मुझे मुझे मेरी पहली ऑडियंस मैं खुद था, उसके बाद मेरी दूसरी ऑडियंस मेरे एक्टर्स थे, तो ये दो जगह से मुझे बराबर से एक रेस्पॉन्स आ गया था। तीसरी ऑडियंस मेरे डीओपी बने रामानुज, तो रामानुज को जब सुनाया, रामानुज ने सही सही जगहों पर लाफ्टर्स दिया मुझे, और रामानुज पहले सर के साथ भी काम कर चुके हैं, तो रामानुज ने बोला ये बड़ा सही 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 हाँ सही पिच पकड़ लिए, ये पिच पे ना इनको इस पिच पे खेलने का मौका दोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मैंने कहा मैं क्या मौका दूंगा, मुझे मौका मिलना चाहिए और उसके बाद देखेंगे इस पिच में क्या खेला जा सकता है। देन अंशुमन है सीरियस एक्टर, अंशुमन कॉमेडी मैंने बहुत रेयरली देखा अंशुमन को कॉमेडी करते हुए, एक दो जगह एक मेरे वेब सीरीज में भी उन्होंने काफी कॉमेडी की हुई थी, तो उनकी टाइमिंग मुझे पता है, उनका एक अंशुमन का एक रिदम है जो मुझे ऑलरेडी पता है, जावेद भाई का एक रिदम है जो मुझे ऑलरेडी पता है। देन उस पूरे कॉल्ड्रॉन के अंदर में एक मैजिकल एलिमेंट संजय मिश्रा जी आ जाते हैं, और जो मुझे पता है वो सबको मेरे को 7वें माले के नीचे छोड़ के आना पड़ता है मीरा रोड में, ये लोग वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मैं इनके पीछे दूसरे तरीके से वो सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये कागज इस जगह में अब इसको मोड़ के रख देना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ और होने वाला है मैजिक। तो संजय सर का हाँ इनकी एक लाइन थी मुझे इनकी एक लाइन थी जो इन्होंने मुझे पहले ही समझा दिया था, इन्होंने बोला देखो नाव सब अपन एक ही नाव में बैठे हुए, नाव कहाँ जानी है हम सब जानते हैं, नाव कैसे जाएगी ये सब वो अब इसमें इसमें खेलना शुरू करते हैं। हाँ तुम जानते हो वो नाव कैसे जाएगी, तो बस हम वो नाव लेके चल पड़े। और मुझे एक सीन याद आ रहा है पहले जब संजय जी ने कहा है कि अगर तुझे ये पता चल जाए, अंशुमन से कह रहा है कि तुझे पता चल जाए कि इस बोरी में कौन है तो समथिंग समथिंग हो जाएगा, एंड ही सेड वो छोड़ देता है यहाँ पर कि मैं तो जाऊंगा नहीं,
अब मुझे बताओ कि इसमें कौन है। तो वो जो प्रेजेंटेशन है और आप संजय सर का हंसना, संजय सर आपने कई बार कहा है कि, और इस फिल्म में भी कहा है एक जगह कि बेटा सक्सेस के साथ मत भागो। तो सक्सेस की स्टोरी क्या है आपके लिए, क्या डेफिनेशन है, क्या आप कैसे आप सक्सेस को बयान करेंगे या शेयर करेंगे कि क्या है सक्सेस आपके लिए? सबसे पहले तो मैं एक जवाब दूंगा, सक्सेस वाली बात याद रखते हैं, जो आपने आलोक से कहा कि पता था तुमको कि ये फिल्म वर्क करेगी, ये सवाल मुझमें भी आया था, लेकिन मुझे लगा यार मैं किल बिल तो नहीं कर पाया ये करता हूं। टारांटिनो की फिल्म थी किल बिल, कॉस्ट्यूम भी कुछ वैसा ही था, ये भूल तो नहीं कर पाया, लेकिन और कई फील तो है आलोक उसमें, जिस तरह से एनिमेशन और सारी चीजें आती हैं। हाँ, और अब बात रही सफलता, सफलता बड़ी अजीब सी चीज होती है रसिया, किसी भी मोमेंट पे मिल जाती है। आप सुबह उठे बहुत बोरिंग मूड में, क्या है क्या नहीं, बहुत असफल दिन, और एकाएक पता चला आपको कि आपने कुछ ऑर्डर किया था और वो सही सही आ गया, वो सेटिस्फैक्शन सफलता। ये बड़ा सही एग्जांपल है, बिल्कुल। हाँ, कैरियर की सफलता वो एक अलग चीज है, वो भी एक सफलता है, लेकिन कैरियर बहुत सफल है, घर में मम्मी के साथ प्रॉब्लम है तो आप सफल नहीं है, कैरियर बहुत सफल है, घर में बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, आप सफलता मानिए। सफलता मतलब जहां आप सेटिस्फाइड, कि बॉस मुझे दो रुपए, बहुत बड़ी बात कह गए आप, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हाँ, मुझे दो रुपए मिले और मैंने जो भी खिलाना था अपने बच्चों को खिलाया और हम प्यार से सो रहे हैं, आज का दिन हमारे लिए सफल रहा। हमें बहुत पैसे मिले और मैं किसी और चीज से लड़ रहा हूं, बच्चे कोई और द्वंद में चल रहे हैं, वाइफ कोई और द्वंद में चल रही है, मदर कुछ और सोच रही है, ये बहुत अजीब सी सफलता है। मेरे लिए सफलता ये है मैं उस दिन सफल बनूंगा जिस दिन डेथ बेड पे अच्छा चलो चल जा कल, मतलब ऐसा सा कुछ निकले, ये नहीं कि हॉरर। राजेश खन्ना की एक और फिल्म है ना बावर्ची, जो कि मेरी दूसरी फेवरेट फिल्म है आनंद के बाद, जिसमें राजेश खन्ना बोलते हैं कि छोटी छोटी खुशियों बड़ी खुशियों को पाने के चक्कर में हम लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। वो सफलता भी वही है जो सर ने अभी बोला कि एक बड़ा सक्सेस ढूंढने के चक्कर में छोटे छोटे सक्सेस, जो ये एक दोनों पिक्चर ऋषिकेश मुखर्जी की है। जी जी जी, दोनों फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी की हैं, तो वो बात भी आप कह गए साथ में आनंद के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आनंद असल आपने जैसे याद दिलाया कि, और इसमें होता है हम सब की जिंदगी में कि हम छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बड़ी खुशी का इंतजार कर रहे हैं या बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, और हम बहुत सारे अच्छे खुशी के लम्हे मिस कर जाते हैं। तो अगर हाँ बोले मैं फिल्म के बारे में बता रहा था कि हाँ, फिल्म में भी सक्सेस अलग अलग तरीके से है। आनंद का जो किरदार है वो बुलेट प्रूफ है, वो मरता ही नहीं है। उसकी सक्सेस आती है जहां वो फैमिली बनाने की कोशिश करता है, वो छोटी सक्सेस में घुसना शुरू करता है। बड़ा ब्रूसली, छोटे ब्रूसली की सक्सेस क्या है, उनके हाथ सबसे बड़ा खिलाड़ी लग गया है जिसको उड़ा देंगे तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, ये इनकी सक्सेस है। फिर जब हम उनके फ्लैशबैक्स में जाते हैं तो हर आदमी की अलग अलग सक्सेस की कहानियां हैं और फेलियर्स की कहानियां हैं, तो वो अपने आप में, वो आप देखेंगे तो यू विल फील कि ये कॉमिक थ्रिलर है या कॉमेडी चल रही है, मगर अंदर अंदर बहुत सारी चीजें कह जा रहे हैं सारे के सारे कैरेक्टर। हाँ, बिल्कुल। वो मैंने शुरू में कहा ना कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, यानी एक पूरी, जो पहले आपको याद होगा संजय जी, हमारे घरों में मशक में पानी लाते थे, वो जो होते थे बिश्ती जो होते थे, नल पाइप और सब तो था नहीं, तो हमारी दादी के घर में भी वो कूजा आता था जिसमें पानी लाके वो हमारे घरों में मटकों में और उसमें भरते थे। वही मैंने शुरू में कहा कि वो पूरा दरिया जो है उस कूजे में है,
इस कहानी में, इस फिल्म में बहुत सारी चीजें हैं। दरिया बन सकता था लेकिन वो कूजा में बना के उसका जो प्रेजेंटेशन है वो जवाब नहीं है उसके प्रेजेंटेशन का। और संजय जी तो नॉमिनेटेड भी हुए, मैंने संजय जी का जब नाम देखा तो आई वॉज सो ब्लेस्ड कि अभी हमारे 4 साल ही हुए हैं और हम इस जस्ट ब्लेसिंग जो संजय जी की वजह से आज हमें मिली है और ये हमारी सक्सेस है। ये फिल्म में कुछ मिलता है तो वो मेरे भाई के लिए होगा। बिल्कुल वो मेरे भाई के लिए उसको बहुत फिल्म ही भैया के लिए। हाँ उसको बहुत चाहत थी कि उसका भाई एक अच्छा एक्टर बने, उसकी बहुत चाहत थी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल और हम मतलब जैसे हम संजय जी से कल मैं बात भी कर रही थी तो हमने यही बोला था कि ये पूरा जो शो है या पूरा जो इवेंट है वो लेडीज चलाती हैं, मोस्टली 99% लेडीज हैं उसमें। और हम सब लेकर आए हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं और वो बाय प्रोफेशन वो अपनी जॉब्स में है सब। लेकिन उसके बावजूद हमारा पैशन, हमारा लव जो है फिल्मों के लिए उसने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो हमारी टीम को अगर आप कुछ कहना चाहें संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी इस तरह का कुछ करूंगा लेकिन अब मैं इसी बिजनेस में आ गया। सीरियसली ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक बात जाननी है, अच्छा सिनेमा होगा, अच्छे नाटक होंगे तो दर्शक अच्छे बनेंगे। दर्शक मतलब जनता। तो ये आप लोगों तक इस तरह की फिल्में पहुंचाते हैं तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए, ह्यूमन के फ्यूचर के लिए, कि आप कम से कम एक सेंसिबल चीज, आप सारी महिलाएं लेडीज प्लस जितने भी लोग जुड़े हुए इससे तहे दिल से मतलब शुक्रिया और सब कुछ है यार। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। मतलब आज की डेट में मैं कहूंगा आलोक, ये जो मैडम बार बार दरिया बोल रही है उसको एक बार दरिया ही बनाना, मशक में मत उसको। मैं बोलने वाला था, आपके आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी है, आई स्वेयर ऑन गॉड। मैंने बोलने वाला था कि अगली बार मैं संजय सर के साथ दरिया बनाऊंगा, बड़ा कुछ लेके आएंगे, बहुत मजा करेंगे। बिकॉज दैट इज बिकम लाइक अ मिशन फॉर मी, that has become like a mission। रजिया टीम के साथ 2-3 दिन नहीं शूट करूंगा। सारे लोगों की वजह से, रजिया और सारे लोगों की वजह से हम लोग को ये सपोर्ट मिलता है। जी मतलब जी एक तुमने न्यूज दिया था कि आपका नॉमिनेशन हुआ है। जी ऑस्कर में तो नहीं हुआ ना, अगर सोचने लगो तो, लेकिन चैन से सोचो तो कहो आपके काम को तो कोई देख रहा है कम से कम, ये तो कर रहा है, पसंद कर रहा है, पसंद कर रहा है, उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। मैं आपको बोल रहा था लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी कि जब मैं आनंद बना रहा था तो मैंने कोई फेस्टिवल सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मेरी स्क्रिप्ट फेस्टिवल वगैरह में कहा ही कोई देखेगा फेस्टिवल में, क्योंकि फेस्टिवल की फिल्में थोड़ी अलग सी होती हैं, थोड़ी सीरियस सी होती हैं, उन्हें कुछ संदेश होता है, कुछ अलग सी फिल्में होती हैं। मैं बना रहा था मतलब हार्डकोर मसाला, जितना नींबू है उतना निचोड़ूंगा, जितनी मिर्ची है उतनी डालूंगा इसमें, तो फुल ऑन मसाला था वो। अब उसमें अगर कुछ कह गए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ और नहीं हुआ है तो कम से कम मैं मेरे 3 फेवरेट एक्टर्स के साथ 3 दिन बिताने का मुझे मौका मिला। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसा संजय सर बोल रहे हैं, अब दरिया वाला काम करना है इसमें इनके साथ, दरिया वाला काम करना है। और बेस्ट वो क्रेडिट आप लोग मुझे दे दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पूजे के बजाय अब आप हम बॉस्टन लेके आएंगे, हम दरिया बॉस्टन लेके आएंगे, सर कुछ बोल रहे थे। एंड बेस्ट चीज ना कि ऐसे फेस्टिवल्स में आपका नॉमिनेशन होता है तो कम से कम जो आपको नॉमिनेट करते हैं जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा विश्वास बनता है, तो अच्छा और भी अच्छे लोग नॉमिनेट हुए, अच्छी फिल्में नॉमिनेट हुई हूँ, तो थैंक्स फॉर दैट यार, कि अच्छे लोगों के बीच में, मतलब समझदार लोगों के बीच में आप प्रस्तुत हो रहे।
मेरे दो मेंबर मेरी टीम के जो हैं वो ईगरली वांटेड टू टॉक के मैं हमें वो तो बहुत मतलब डाई हार्ड फैन हैं संजय जी के और वो पुश कर रहे थे मुझे कि हमें इंटरव्यू में डालो। मैं तुम्हें क्यों डालूं, तुम क्या करोगे वहां पर? हम एटलीस्ट संजय जी को हाय बोल देंगे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा तो सुनैना कचरू है, सुनैना कचरू, सुनैना एंड शिल्पा। हाय सुनैना, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। और शिल्पा? शिबा। शिबा, वाव शिबा, लव यू बोथ। एंड कभी मिलेंगे हम लोग, ये सारे क्राइसिस खत्म हो जाए तो अगले फेस्टिवल में मैं आलोक के साथ और भी कुछ अलग किस्म के। प्लीज आइए आप, मैंने आपको बोला था कि हमारी ऐसा आप यहाँ आन के आपको लगेगा कि आप अपनी फैमिली में आ गए। हम लोग साथ रहना, बैठना, खाना पीना, एंड यू विल लव इट। तो हम तो खुद साथ हैं कि आप हैं। वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। Yeah, of course, कुछ ज्यादा बोल गया मैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और बॉस्टन वालों से जरा कह दीजिए कि आप लोग के आइए, फिल्म देखिए, बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है हमारी। तो थोड़ा हेलो बॉस्टन एंड ऑडियंस, प्लीज आओ यार, देखो ये एक मतलब प्रयास है एक लोगों का। प्लीज हौसला बुलंद रखना, 4 साल हुए अभी, 40 इयर्स और होने है ना रजिया? बिल्कुल। और फिफ्थ हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं विद दरिया। ओके दरिया, हेलो दरिया, पक्का पहुंच सर दरिया रेडियो। मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं, बाय।